हेलो स्टूडेंट टूडे विल बी डिस्कस अबाउट स्टेंजा फॉर्म्स ओके आज का हमारा टॉपिक है स्टेंजा फॉर्म्स इसमें से हम ट्वेंटी वन क्वेश्चन पिछली वीडियो में आपको करा चुके हैं ओके okay, ये बी ए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट सेकेंड में हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच वर्स फॉर्म वॉज यूज बाय थॉमस ग्रे इन एलिजिबिटिन इन आर कंट्री चर्च यार्ड यानी जो थॉमस ग्रे एक राइटर है इन्होंने एलिजी जी डी एंटरटेन कंट्री चर्च यार्ड में किस बर्ड्स का यूज किया है तो इसके ऑप्शन देखते हैं ये है, है कॉपलेट बीटर जरिमा सी क्विट्रेन और डी रैम रॉयल तो ट्वेंटी टू का जो राइट आंसर है वो है क्यूट्रैन नेक्स्ट विच वर्स फॉर्म वॉज यूज बाय फिज फिजर इन उमर खयाम जो फिजर गेरल्ड हैं इन्होंने उमर खयाम लिखी है उसमें किस वर्ड्स का यूज किया है ए कॉप्लेट बीटेड जेमा सी क्यू ट्रेन डी रैम रॉयल तो ट्वेंटी थ्री का राइट आंसर है नेक्स्ट फॉर्म इज इन सेवन सेवन पेंटामीटर जो लाइन का पेंटामीटर है उसमें किस फॉर्म का यूज किया गया है ए कॉपलेट्स बीटेड जेरिमा सी क्यू ट्रेन डी रैम रॉयल तो ट्वेंटी फोर का राइट आंसर क्या है रैम रॉयल नेक्स्ट विच स्टेंजा फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज द चेरियन स्टेंजा यानी स्टेंजा को किस नाम से जाना जाता है ए कप बी टिजा रिमा सी क्यूट्रेन डी रैम रॉयल तो ट्वेंटी फाइव का राइट आंसर क्या है रैम रॉयल नेक्स्ट हु ब्रोट ओटावा रिमा फ्रॉम इटली टू इंग्लैंड ओके जो है ओटावा रिमा इटली से इंग्लैंड लाया गया कौन लेकर आया इसे तो ए सर थॉमस बिट बी सर थॉमस मुरे सी चौसर एंड मिल्टन तो ट्वेंटी सिक्स का जो राइट आंसर वो है सर थॉमस बिट इन्होंने ही क्या कहते हैं ओटावा रिमा को वो इटली से इंग्लैंड लाए थे नेक्स्ट विच स्टेंजा फॉर्म हैज एट लाइन्स राइमिंग ए बी ए बी ए बी सी सी यानी जो राइमिंग स्कीम है एट लाइन्स की ए बी ए बी ए बी सी सी इसको क्या कहा गया है टर्जा रिमा रॉम रॉयल ओटावा रिमा या इस्पेन सिटी तो ट्वेंटी सेवन का जो राइट आंसर वो होगा हो हो ओटावा रिमा नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टैंड फॉर्म हैज हैंट स्क्लेविक इलेवन स्लेवल्ड होते हैं इसमें लाइन्स में कि इसमें क्या यूज किया गया तो टिडजा रिमा रॉइम रॉयल ओटावर रिमा या इसपेंसेरियन स्टेंजा तो ट्वेंटी एट का राइट right आंसर है ओटावर रिमा नेक्स्ट विच स्टैंड फॉर्म हैज नाइन लाइन्स किस स्टेंडा इंस्टेंजा में नाइन लाइन्स का यूज किया गया है ऑप्शन नंबर ए टर्जरीमा रिमा राइम रॉयल ओटावा रिमा या स्टेंजा तो ट्वेंटी नाइन का राइट आंसर है डी स्पेंसेरियन स्टेंजा नेक्स्ट विच स्टेंजा फॉर्म हैज एट लाइंस विद डेक्स लेवल्स एंड वन लाइन विद ट्वेल्व लेवल्स आंसर टर्जरीमा रिमा राइम रॉयल ओटावा रिमा या स्टेंजा तो क्वेश्चन नंबर थर्टी का राइट आंसर होगा स्पेंसेरियन स्टेंजा नेक्स्ट थर्टी वन दम हीरोपलेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई कॉपलेट को किसने इंट्रोड्यूस कराया फर्स्ट है थॉमस वन का राइट आंसर क्या होगा चौसर नेक्स्ट आ हीरोपलेट है में कितनी लाइन्स होती है आ टू लाइन्स या फोर लाइन्स या सिक्स लाइन्स या एट लाइन्स तो थर्टी टू का राइट आंसर है ए यानी कि टू लाइन्स नेक्स्ट हु परफेक्टेड हीरोप्लेट आंसर उसका ऑप्शन देखते हैं जॉन कीट्स पी वी शैली अलेक्जेंडर पोप या विलियम ब्लैक तो थर्टी थ्री का राइट आंसर क्या होगा अलेक्जेंडर पोप नेक्स्ट दिन स्टेंजा वॉज डेवलप स्पेंसरियन स्टेंजा को किसने डेवलप किया स्पेंशन ने शेक्सपियर ने शैली ने या नॉर्थ दी तो थर्टी फोर का राइट आंसर होगा ए यानी कि स्पेंशर अब हम यूनिट थर्ड देखेंगे यूनिट थर्ड में हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर ओके इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द शेक्सपियर सोनेट शेक्सपियर सोनेट की थीम क्या है फर्स्ट सेंशुअल लव बी कले लव सी प्लेटोनिक लव डी पोइट्स लाइव तो शेक्सपियर सोनेट की थीम है प्लेटोनिक लव यानी फर्स्ट का राइट आंसर होगा सी नेक्स्ट विद विच ऑब्जेक्ट्स शेक्सपियर कंपेयर द ट्रू लव शेक्सपियर ने टूल को किससे कंपेयर किया है नेक्स्ट अ एन एवर फिक्सड मार्क वी आ वंडरिंग मार्क सी अटेपेस्ट एंड डी नन ऑफ दिस तो टू का राइट right आंसर होगा एन एवर फिक्सड मार्क नेक्स्ट हु सेज दैट लव्स नॉट टाइम्स फूल किसने कहा है लव्स नॉट टाइम्स फूल। ए मिल्टन बी ड्राइटन सी पोप डी शेक्सपियर तो थ्री का जो राइट right आंसर होगा वो होगा शेक्सपियर क्स्ट वॉट इज ट्रू लव टू अंडार द जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर शेक्सपियर के जो सोनेट हैं, उनके कितने टोटल नंबर हैं? या है तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर होगा डी यानी वन फिफ्टी फोर नेक्स्ट द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स एड्रेस टू अ डार्क लेडी वाई शेक्सपियर डार्क लेडी को शेक्सपियर ने कितने सोनेट एड्रेस किए हैं ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी सिक्स या थर्टी तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर होगा ट्वेंटी सिक्स नेक्स्ट वट इज द टोटल नंबर ऑफ सोनिट्स एड्रेस वाई शेक्सपियर टू मिस्टर डब्ल्यू एच शेक्सपियर ने जो मिस्टर डब्ल्यू एच एन के बेस्ट फ्रेंड थे उनके लिए कितने सोनेट्स एड्रेस किए हैं वन ट्वेंटी सिक्स वन ट्वेंटी एट वन थर्टी या वन थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट right आंसर है वन ट्वेंटी सिक्स नेक्स्ट हाउ मैनी क्यूट्रेंस डज द शेक्सपियर सोनेट है शेक्सपियर के सोनेट में कितने क्यूट्रेंस हैं क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन है ए वन टू थ्री फोर तो राइट right आंसर क्या होगा सी यानी कि थ्री नेक्स्ट द शेक्सपियर सोनेट इज राउंडेड ऑफ विद आम इसका ऑप्शन है क्यूट्रेन बी कॉपलेट इज सेट एस्टेट तो नाइन का आंसर होगा राइट बी कॉपलेट नेक्स्ट आफ्टर विच क्यूट्रेन डज सीज़र कम इन सेक्शपियन सोनेट क्वेश्चन नंबर टेन का देखते हैं फर्स्ट सेकंड, थर्ड नन ऑफ दीज तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी सेकंड। नेक्स्ट विच अमंग द पोय रिटन बाय शेक्सपियर शेक्सपियर की कौन सी पोयम है यहाँ पर मैन चर्च गोइंग इलेवन का जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन देखते हैं मिल्टन शेक्सपियर जॉनटन या थॉमस ग्रे तो लिक्रिसी किसने लिखी है शेक्सपियर ने तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का राइट आंसर है बी के दैट्स इट थैंक यू फॉर वॉचिंग